मन करो तो बोल देंगे। बोल रहा कोनो विरहीन कभी वेदना है, अपने दिल के दर्द के अपने सखी सहेलन बतावत है। क्या बतावत है, का कहले भाई? बड़ी याद आवे बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोई, रतिया का रतिया पहाड़ दिन भाई, सर्वप्रथम बिहार के तमाम सम्मानित श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। हम भोजपुरी बिहार गायक राम अशीष यादव एंड पार्टी बाबा कोरी चंदौली उत्तर प्रदेश से एक ऐसी घटना अति अश्रफ हत्याकांड, तमाम कलाकार अपने अपने आवाज में आप सब भैया लोग के परोसे के काम के लिए आप सब भैया लोग पसंद करते हुए, सत्य यही है हर गुनाह की सजा इसी सरजमी पे। इस झूठे के लोग आश्वासन देवला की मर जीबा तो स्वर्ग में जीबा नरक में जीबा, ऐसी कोई बात नहीं बाबू, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, यही सत्य है। तेन दोहा में मास्टर साहब संकेत बा, अपराधी को सजा मिले अदालत कहे कानून, और न्याय की बात करेगा कौन, और हुआ कानून का ही खून। होगा वही जो राम रचि राखा, लोग बतावलन लोग कहलन जैसा करबा वैसन पैबा, लेकिन यहाँ तो संविधान कभी अवहेलना हो गई। जैसा अतीक अशरफ किया वैसा पाया ये सत्य है, लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ भई। विदेशिया में संकेत बा, गैलायतिक अशरफ के जान हो, आ ब्रिटिश हुकूमत में भइल ना ऐसन घटना, खतरा में आज संविधान हो, आए, 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 आए,
उस समय भी ऐसी शर्मसार घटना नहीं घटी। उन लोगों ने इसका ख्याल किया, संविधान का ध्यान दिया, जो अदालत का निर्णय होगा वही मान्य होगा। लेकिन आज हिंदुस्तान आजाद होकर के भी प्रतंत्रता सह रहा है, ऐसा क्यों? मारना था, अदालत जो सजा देता वो मान्य होता। गलत किया अतीक अशरफ, लेकिन आपने क्या किया? आपने अच्छा काम नहीं किया। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, इस गीत के माध्यम से परोस देना चाहता हूं इस समाज में, कि आज बुरे कर्म का बुरा नतीजा जे जैसन करला वैसन पावला, चाहे भगवान राम रहल हो, कृष्ण रहल हो, रावण रहल हो, कंस रहल हो, जे जैसन कैलस ओकर फल पौलस। राम कृष्ण भी जिंदा ना रहलन, उहो अमर ना रहलन। लेकिन यहां एक लाइन गीत लगत मास्टर साहब, भैया मिजाज बना दो वाला लाल। गीत आप सभैया लोग गीत से परिचित हुआ, सीधे सीधे भाव से आप सब भैया लोग के बीच में संकेत करते हैं, बतावत हैं, कोई अमरना मरना सबके हो, सब मर जाइए दिन। मैं जो ने शरीर पर अहंकार घमंड हो, ये सब टूट जाए, चाहे हम होखी, चाहे सकल समाज होख, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री माननीय आप योगी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे कोई भी है, जब सिकंदर जैसा महान चला गया तो आपको भी जाना है। ये बात कब आप लोग के ख्याल आई कि हमके भी मरेंगे? तब अहंकार आग में करा जानी भूल हो मा राय के होई सबा के, बाबू बाबा सबा के जा राय के होई सबा के, करा जानी भूल हो मा राय के होई सबा के। गीत के माध्यम से पहला एग्जाम्पल प्रमाण उदाहरण त्रेता युग से द्वापर युग से लिहल जाए। रावण कंस वंश का रावण कंस वंश का भी ध्वंस हो गई है, प्रमाण मिलेला बाबू कि रावण जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ, योद्धा नहीं हुआ, लेकिन तनी समय अहंकार भेल तो हुक सर्वनाश करे खातिर कोई न कोई आयल, वो आयल के आर्य रावण कंस वंशता विध्वंस हो गई ले, राम कृष्ण मार के अमर नहीं भइले, राम
अहिंसा पथा धरा के हो सबा के साथ अहिंसा पथ धा रह के हो सबा के करा जानी भूल होबा रह के हो सबा के दूसरा प्रमाण इस समाज के लिए और उन हत्यारों के लिए जो हमारे देश के अराजक तत्व बने हैं, हत्यार दिया लापे करेला गरूर हो प्रमाण का हो। जैसे अतिक अशरफ जितना लोग के मरलन मरले के बाद स्वतंत्र जीत हुआ, बड़ा गरूर है, कोई ऐसा नहीं है जो हमें मार सकता। लेकिन आप अगर दूसरे के दुख दे बात तो के दुख मिली, यही सत्य है। करे लो गुरु रहो ओ नहु के मौत कहियो होई जरूर रहो आपन कहनी भारा के होई सबा के आपन कहनी भार होइया बसाबा के कारा जानी भूल हो मा रह के होई सबा के क्या बात है रह के होई सबा के कारा जानी भूल हो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने ट्वीट किया था। एक बात उन्होंने मीडिया के सामने प्रस्तुत किया था, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। आपने सराहनीय कार्य तो किया लेकिन तीसरा तरीका गलत हो गया। क्षमा चाहूंगा, कोई अगर गुस्ताखी दास से हो जाए तो क्षमा करिएगा। मैं इस जीत के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो आपने किया बहुत सराहनीय कार्य किया लेकिन तरीका गलत हो गया। उका कहलन मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा योगी दिए धमकी, मिला दूंगा योगी दिए धमकी, मारल गई अतिक अशरफ घटना शरम की, मारल गई अतिक अशरफ घटना पाता खुलासा का रह के होई सबके कारा जानी भूल हो मार के होई सबके बाबा मार के होई सबके कारा जानी भूल हो मार के होई
15 अप्रैल 2023 दिन रविवार रात 10:39 पर अतिकव अशरफ की हत्या होती है। 11 मिनट के अंदर ही यानी 10:50 पर उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव जी का ट्वीट आ गया, हत्यारे मारे गए। जिन हथियारों से हत्या की गई, एक हथियार 7 लाख का। अगले कड़ी में संकेत बा। सानी सिंह अरुण मौर्य सानी सिंह अरुण मौर्य लॉलेस तिवारी मिलता है हत्यारों का। सनी सिंह हमीरपुर अरुण मौर्य कासगंज लौलेश तिवारी बांदा, ये भी बहुत बढ़िया परिवार से नहीं है, लेकिन ऐसा कदम इन्होंने उठाया क्यों, ये गौर करने की बात है। अरे सनी सिंह अरुण मौर्य लौलेश तिवारी तीनों करीब कैसे बनल है सितारी, अरे साजिश से अब संभर के हो सबके, साजिश से अब संभर सबके कारा जानी भूल हो मार के हो सबके, कारा जानी भूल हो मार के हो सबके। एक बात मैं आज बाबा किनाराम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करा रहा हूं, इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से कह देना चाहता हूं हमारे देश के धरोहर के लिए। हम लोग भी रंगमंच के माध्यम से हमेशा सराहनीय कार्य करते हैं आप लोगों के लिए, बड़े गर्व के साथ कहते हैं हमारे देश के आन मान सम्मान, हमारे देश के धरोहर फौजी जवान सिपाही, लेकिन हमें शर्म आ रही है इस बात को कहने में। शर्म क्या है, अरे खाखी वाले शपथ ली हले सुरक्षा का वादा, झंडा तिरंगा के नीचे कसम दी जाती है देश की रक्षा करने के लिए, अरे शर्म आती है वर्दी पहनकर चल लेने से और रुपया कमा लेने से देश की मर्यादा नहीं बचती है। मैं छोटा हूं कुछ कह नहीं पा रहा हूं, वो शब्द नहीं है जिस शब्द से मैं संबोधित करूं। वर्दी पहन करके तान के चलला लोग कहला कि हम सिपाही हैं, कहाँ गई सिपाही गिरी जौने समय अति अशरफ का गलत कह ले रहा थी अशरफ, लेकिन आपका क्या कर्म था। खाची वाले सब बतली हले सुरक्षा का वादा, हले सुरक्षा कब दादा, काहे पराय गैले काहे पराय गैले रहल का इरादा, ओ जवान सिपाही खातिर आवाज है, जवान देश के आन मान खातिर के अपन जान में उछावर खास करे खातिर तैयार हुआ अजय कैलस। अरे वाह, शर्म लगत कहे में अब्दुल हमीद, वाह ऐसे सपूत होना चाहिए, और नहीं तो उससे अच्छा तो सरवा लुंगी पहन के घूम ला लो, यह बढ़िया लगत हमके। ड्यूटी पर हारा
उतर के हो सबके ड्यूटी पर खड़ा हूं तो रहत हो सबके कारा जानी भूल हो मार के हो सबके सारा जानी भूल हो एक बात बोलू भैया बड़ा दिल के सालत हो सालत ही है कि बार हमारे देश का कानून अब बार हमारे देश का प्रशासन प्रशासन के देख रेख में जब अतिक अशरफ इलाज के लिए जा रहे हैं वहां घटना घट जाती है। किसी भी हत्यारे को किसी भी अपराधी को सजा कड़ी से कड़ी सजा मिली हमें सुकून है लेकिन अदालत के कानून के अलावा नहीं। कानून जो सजा दे दे उसे फांसी चढ़ा दे या सामने गोली मरवा दे ये तो संविधान का तौहीनी है। बारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाकर इस हिंदुस्तान को आजाद कराया क्या तमन्ना रही उनकी का उनके मेहर लैकी लैका ना रहलन उनके जीवन आवत रहल लेकिन हमारे आप खातिर के संविधान बनौलन कि कम से कम हमार दलित समाज एससी एसटी तो समझ जाएगी कि मेरा अधिकार क्या है। लेकिन उनके संविधान कभी तौहीनी अवहेलना हो तो आखिरी कड़ी में आखिरी बात का नाम है फैसला सुनाई है जब सुनई है जब शासन प्रशासन अरे फैसला सुनई है जब है शासन प्रशासन टूट के बिखर जाई अदालत सिंहासन जब फैसला खुद का प्रशासन लेवे लगल नेता लोग लेवे लगलन तई जजमेंट ही कहले के फायदा का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तोड़ देवल जाए पैसा पर दिक्कत सब यही तो सब समाज में लोग कहते हैं यही से हम अपन कहते हैं टूट के बिखर जाई अदालत सिंहासन क्या बात है कारा जानी भूल हो मार के होई साबा के कारा जानी भूल हो मार के होई साबा के कारा जानी भूल हो मर के हाई समुती हो।